Hello students, let's see the question. So the question is, which separate embryo and endosperm in maize seed? पूछा गया इनमें से कौन सा पार्ट है जो कि एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म को सेपरेट करता है मेज सीड में. तो अगर हम देखें मेज सीड का अगर स्ट्रक्चर देखें, हमें पता है कि मेज सीड जो है वो क्या होता है, ये मोनोकॉट है. तो मोनोकॉट में हमें पता है कि सिंगल कॉटिलेडन होता है. तो यहाँ पे अगर हम सीड का ये स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये जो होता है यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है इट इज सराउंडेड बाय एलिरोन लेयर. एंडोस्पर्म जो होगा इट इज सराउंडेड बाय एलिरोन लेयर. तो ये जो है ये क्या है, एलिरोन लेयर है ये वाला. ये क्या है, एलिरोन लेयर, जो कि क्या होता है, ये प्रोटीन रिच है. एलिरोन लेयर क्या है, प्रोटीन रिच है. तो ये जो है ये क्या है, एलिरोन लेयर, एलिरोन लेयर जो कि सराउंड करे किसको, स्टार्ची एंडोस्पर्म को, एंडोस्पर्म को. और यहाँ पे जो है एम्ब्रियो होगा. सो एम्ब्रियोनल एक्सिस में अगर हम देखें तो यहाँ जो ऊपर की तरफ जो है यह क्या होगा, यहाँ प्लूम्यूल है, प्लूम्यूलिस. यहाँ पे अगर हम देखें ऐसे कवर्ड बाय, यहाँ पे क्या है, ये जो है कॉलियोप्टाइल. ये क्या है, कॉलियोप्टाइल. और ये क्या है, प्लूम्यूल. एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस में नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल होगा. एंड रेडिकल इज कवर्ड बाय ये जो है कॉलियोराइजा. सो यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल, रेडिकल. एंड यहाँ पे क्या होगा, कॉलियोराइजा, कॉलियोराइजा. एंड यहाँ से एम्ब्रियोनल एक्सिस से लेटरली जो यहाँ पे ये जो सिंगल कॉटिलेडन यहाँ पे अराइज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटिलम, स्क्यूटिलम. सो मोनोकॉट में जो सिंगल कॉटिलेडन है उसे हम स्क्यूटिलम बोलते हैं. तो ये क्या है, ये वाला पार्ट जो है ये एम्ब्रियो है. एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म के बीच में जो सेपरेट कर रहा है यहाँ पे क्या होगा, स्क्यूटिलम. सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन, दैट इज स्क्यूटिलम. स्क्यूटिलम हमें पता है कि जो कॉटिलेडन क्या प्रोवाइड करेगा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. एल्यूरोन लेयर नहीं कर रहा है सेपरेट, ये तो गलत है. एम्ब्रियोनल एक्सिस भी नहीं, सीड कोड भी नहीं. करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन, दैट इज स्क्यूटिलम. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.